जय हिंद साथियों, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का जय सकेदी में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो है संसद, जिससे हमारे हर एग्जाम में प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे बनते हैं कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है, इसके कितने अंग होते हैं तथा इसे सदन कितने होते हैं, इसमें जो राज्यसभा तथा लोकसभा राष्ट्रपति होते हैं, इनके बारे में सारी जानकारी आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, संसद शब्द है जो ये किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो संसद शब्द जो संसद है ये हमारे अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में जोड़ा गया, किसमें, अनुच्छेद 79 में। इसमें जो संसद के अंग हैं तीन, कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसमें जो राज्यसभा है वो किस अनुच्छेद में रखी गई, तो जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में रखी गई, अनुच्छेद 80 में। जो लोकसभा है ये 81 में, किसमें, जो लोकसभा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो है 81 के अंतर्गत। जो राष्ट्रपति है ये 52 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत है राष्ट्रपति, 52 के अंतर्गत। अब पूछा जाए कि संसद के सदन कितने हैं, दो। क्या पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के दो सदन होते हैं, कौन कौन से, उच्च सदन और निम्न सदन, जिसमें से हम राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसद के बारे में, क्या संसद के बारे में, संसद शब्द कहाँ से लिया गया है तथा ये किस भाषा से लिया गया है और इस किस शब्द से लिया गया। जो संसद शब्द है वो पार्लियामेंट शब्द के फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से, जो पार्लियामेंट शब्द है, संसद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट शब्द है ये किस भाषा का है, तो ये है फ्रेंच भाषा का, किस भाषा का है, फ्रेंच भाषा का। तो हम लोग संसद की परिभाषा बनाएंगे, संसद शब्द पार्लियामेंट शब्द, पार्लियामेंट शब्द के फ्रेंच भाषा से लिया गया है, किस भाषा से, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जो संसद शब्द है किस देश से लिया गया है, पूछा जाए कि संसद की जननी कौन है, क्या है कि संसद की जननी कौन है, या पर पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई, किस देश से ली गई, ब्रिटेन से। और संसद की जननी हम लोग ब्रिटेन को ही कहते हैं, संसद की जननी किसे कहते हैं, ब्रिटेन को, क्योंकि जो संसद शब्द संसदीय प्रणाली है वो संसद, वो ब्रिटेन देश से ली गई है, कहां से ली गई, ब्रिटेन से। तो हम लोग लिखेंगे संसद की जननी को, संसद की जननी हम किसे कहते हैं, ब्रिटेन को, किसको कहते हैं, ब्रिटेन को। अगला पॉइंट बनेगा इसमें कि संसद का निर्माण किसने किया, तो संसद का निर्माण किसने किया, तो संसद का निर्माण एडविन लुटियन तथा हार्वर्ड ब्रेकर ने किया, दो सदस्यों ने मिलकर किया था, किसने किसने, एडविन लुटियन और हार्वर्ड ब्रेकर ने। अगला पॉइंट बनाएंगे एडविन लुटियन
एडविन लुटिंगन तथा हार्वर्ड ब्रेकर ने संसद का निर्माण किया। किसने किसने किया? एडविन लुटिंगन ने और हार्वर्ड ब्रेकर ने संसद का निर्माण किया। यहीं पर एक पॉइंट बनता है कि इसकी बाहरी परत किस पत्थर से बनी थी तथा इसमें कितने स्तंभ थे। जो संसद की जो बाहरी परिधि, जो संसद इस तरह का, इसमें जो सामने जो स्तंभ दिखाई देते हैं, ये किस पत्थर के बने थे तथा कितने थे। जो इसमें जो संसद की बाहरी परिधि थी वो ग्रेनाइट पत्थर के, और उसमें 144 स्तंभ थे। कितने? 144। इसकी बाहरी परिधि ग्रेनाइट पत्थर की। किस पत्थर की बनी थी संसद की बाहरी परिधि? ग्रेनाइट पत्थर की। तथा इसमें कितने स्तंभ थे? तो स्तंभ की बात की जाए तो इसमें 144 स्तंभ थे। कितने खंभे थे? 144 खंभों पर हमारी संसद टिकी हुई थी। कितने खंभों पर? 144 खंभों पर हमारी जो संसद थी वो टिकी हुई थी। और किस पत्थर के थे? तो पत्थर थे ग्रेनाइट के। किसके थे? ग्रेनाइट के। पूछा जाए कि संसद में कितने सत्र होते हैं, एक साल में संसद में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो एक साल में संसद में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने सत्र? 3 सत्र। कौन से? बजट सत्र और जलवायु सत्र और शीतकाल सत्र। कौन कौन से? बजट सत्र, जलवायु सत्र और शीतकाल सत्र। कौन कौन से, कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 संसद के सत्र, बजट सत्र, जलवायु सत्र, या हम इसको बोल सकते हैं मानसून शस्त्र। क्या बोलते हैं? मानसून शस्त्र। और तीसरा है शीतकालीन शस्त्र। ये 3 शस्त्र हो गए। और पूछा जाए किस किस मंथ में बुलाए जाते हैं। महीने की बात की जाए तो इसमें इसमें बजट शस्त्र है वो जनवरी से मई तक। कितने महीने? जनवरी से मई तक बजट सत्र होता है। जनवरी से मई तक। जो जलवायु या मानसून सत्र है ये जुलाई से सितंबर तक। जलवायु शस्त्र कब से कब तक है, किस महीने से किस महीने तक? जुलाई से सितंबर तक। और जो शीतकालीन शस्त्र है ये नवंबर से दिसंबर तक। शीतकालीन की बात की जाए ये किस मंथ में है? ये नवंबर से दिसंबर तक। एक बार फिर से देखेंगे ये शस्त्र किस मंथ में, कौन कौन से शस्त्र किस मंथ में आते हैं। जो बजट शस्त्र है वो जनवरी से मई तक। किसमें है? जनवरी से मई तक। कौन सा शस्त्र है? बजट शस्त्र। और जो जलवायु शस्त्र है वो जुलाई से सितंबर तक। कौन से मंथ में है बजट जलवायु शस्त्र या मानसूनी शस्त्र? तो वो है जुलाई से सितंबर तक। और शीतकालीन की बात की जाए तो वो नवंबर से दिसंबर तक। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई तो क्लास को शेयर करें और लाइक करें। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड दोस्त लोगों को क्लास शेयर करें ताकि इस क्लास से और लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। किसके? 81 के अंतर्गत। आर्टिकल 81 के अंतर्गत क्या है? हमारी लोकसभा। तो हम लोग जानेंगे लोकसभा को किन किन और अन्य नामों से जानते हैं।
तो लोकसभा को हम लोग पहली बात तो और क्या किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन से। लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन से, और लोकसभा को उच्च सदन से। और लोकसभा को हम लोग जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता का सदन। क्यों कहते हैं, इसमें जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता वोट करती है। और जो राज्यसभा में चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए उसे कहते हैं बड़े लोगों का सदन। क्या कहते हैं, राज्यसभा को बड़े लोगों का सदन और लोकसभा को जनता का सदन। लोकसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को इसका और किस नाम से जानते हैं, अस्थाई सदन से। क्यों, जो लोकसभा है वो भंग की जा सकती है, इसलिए उसे अस्थाई सदन कहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और जो राज्यसभा होती है उसे हम भंग नहीं कर सकते हैं। तो लोकसभा को भंग कौन करता है, तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसमें पूछा जाए कि चुनाव कैसे होते हैं, लोकसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। नोट करेंगे जनता के, जो लोकसभा के अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन। क्या है, निम्न सदन और जनता का सदन। जनता का सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। कौन कौन से नाम है इसके, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थाई सदन और युवाओं का सदन। युवाओं का सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोग सीधे वोट करते हैं, इसलिए हम लोग इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। तो ये थे लोकसभा के अन्य नाम। अब हम लोग जानेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या बात की जाए, सदस्यों की संख्या की बात की जाए, तो वो है 552। कितनी है लोकसभा के सदस्यों की संख्या, अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम है 552, जिसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं 550, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। अन्य जो दो बचते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में चुने जाते हैं। किसके रूप में चुने जाते हैं दो सदस्य, ये एंग्लो इंडियन के रूप में चुने जाते हैं। अन्य दो सदस्य जो सदस्य हैं ये एंग्लो इंडियन के रूप में चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन के रूप में चुने जाते हैं। इन्हें चुनता कौन है, तो इन्हें चुनता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। किसके द्वारा इनका चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा। एंग्लो इंडियन जो होते कौन हैं, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी माता विदेश की हो, या जैसे इंग्लैंड अमेरिका, और उनके पिता अपने भारत के हों। जो उनके बच्चे होते हैं उनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। तो इनमें अधिकतम संख्या कितनी थी, 552, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते थे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 550। कितने, 550। और जो 550 में से अन्य सदस्य जो 330 हैं, ये राज्य, सॉरी, इसमें जो 550 सदस्य हैं ये निर्वाचित सदस्य हैं, और ये दो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे 550 सदस्यों में से 330 जो सदस्य हैं ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सदस्य, 530 जो सदस्य हैं ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा
चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं ये 530 राज्यों द्वारा, और इसमें जो 20 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। ये जो 530 जो टोटल सदस्य हैं ये ओनली राज्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। जो 530 ये सदस्य हैं ये राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, और इसमें जो 20 सदस्य बचते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। जो 20 सदस्य बचते हैं वह 530 राज्यों द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। इसमें जो महत्वपूर्ण नोट पॉइंट बनता है कि संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत क्या पॉइंट है कि संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। जो हमारे जो एंग्लो इंडियन जो दो सदस्य चुने जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, वो 104 संविधान संशोधन द्वारा इनका जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। कितने संविधान संशोधन के अंतर्गत? 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है 543 सदस्य। कितने हैं? 543 सदस्य। अधिकतम थे 552, उनमें से 550 राज्य तथा केंद्र शासित, 2 राष्ट्रपति द्वारा, 330 टोटल राज्यों द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 543 लोकसभा के सदस्य हैं। ये थे हमारे लोकसभा के सदस्य। अब हम लोग जानेंगे लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में, इनके अधिकारी कौन कौन से, इनके कार्य क्या हैं। तो इनके लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में, इनके कौन कौन से अधिकारी होते हैं, तो लोकसभा में पहला होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। कितने अधिकारी होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसमें जो प्रोटेम स्पीकर होता है जिसे हम अस्थाई अध्यक्ष कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर को क्या कहते हैं? अस्थाई अध्यक्ष। इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो अस्थाई अध्यक्ष होता है लोकसभा का, इसको कौन चुनता है? तो इसको चुनता है राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट बनेगा इसमें कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसका कार्य क्या होता है? जो अस्थाई अध्यक्ष होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जो लोकसभा में नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाना। अस्थाई अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? जो लोकसभा में नए सदस्य होते हैं इनको शपथ दिलाना अस्थाई अध्यक्ष का कार्य होता है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है, यानी कि वर्तमान में अस्थाई अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, तो वो है वीरेंद्र कुमार। कौन है अस्थाई अध्यक्ष? वीरेंद्र कुमार। हम लोग जानेंगे अध्यक्ष के बारे में। ये था अस्थाई अध्यक्ष। हम लोग जानेंगे अध्यक्ष के बारे में यानी स्पीकर के बारे में। लोकसभा का अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव? लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तथा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, इसका इसको शपथ, इसको जो ये त्याग पत्र किसको देता है? यहां पर प्रश्न बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? इसको शपथ तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा दिलाई जाती है, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये लोकसभा को जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र किसको देता है?
उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो वो देता है अध्यक्ष को, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे राज्य जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं तथा उनके कार्य तथा उनका कार्यकाल क्या होता है। जो राष्ट्र लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं की बात की जाए, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, तो इसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसमें पहले तो योग्यता महत्वपूर्ण रहती है, वो रहती है को है भारत का नागरिक हो। क्या रहती है? कि वो है भारत का नागरिक हो और वह 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। कितनी? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की आयु होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य की आयु की बात की जाए तो 30 वर्ष और राष्ट्रपति की आयु की बात की जाए तो 35 वर्ष। तो कितनी आयु पूरी कर चुका हो? वो है 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। कितनी? 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो तथा वह पागल व दिवालिया ना हो। कैसा नहीं होना चाहिए? पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है वह कर्ज से लदा हो। वो जब वह सदस्य बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जब वह कर्ज से लदा होगा तो वह अपना जो पैसा मिलेगा वो अपना कर्ज ही चुका पाएगा, तो देश को क्या देखेगा। तो इसलिए उसे कैसा नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। और उसके कार्यकाल की बात की जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने समय का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का। इसके चुनाव की बात की जाए कि इसका चुनाव कैसा होता है, तो लोकसभा के सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता द्वारा किया जाता है चुनाव। कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता वोट करती है, सीधे जनता वोट करती है, इसीलिए इसे जनता का सदन कहा गया है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलिए अब हम लोग जानेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसके क्या कार्य होते हैं तथा इसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्य होता है कि लोकसभा के सभी कार्यों का सही ढंग से संचालन करना, सही ढंग से उसकी देखरेख करना तथा उसका संचालन करना और नियंत्रण करना। पहला कार्य क्या होता है लोकसभा के अध्यक्ष का? तो उसका कार्य होता है कि जो राज्यसभा लोकसभा के कार्य होते हैं उनको सही ढंग से संचालन करना, उनको सही ढंग से चलाना तथा उन पर नियंत्रण करना।
अगला दूसरा कार्य क्या है इसमें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जो संसद में अधिवेशन बुलाए जाते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो संसद में अधिवेशन बुलाए जाते हैं उनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट इसमें अगला कार्य क्या है कि जब किसी विधेयक का निर्माण क्या जब किसी विधेयक का निर्णय ना निकल रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। क्या पॉइंट है इसका कि जब किसी विधेयक का निर्णय जब किसी कानून का निर्णय ना निकल पा रहा हो तो उस समय लोकसभा उसके निर्णायक का मत दे सकता है, उसमें अपना मत दे सकता है। किसमें? जब कोई कानून बनाया जा रहा हो उसमें कोई निर्णय ना निकल पा रहा हो तो निर्णायक के रूप में जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है वह उसमें मत दे सकता है। किसमें? जो कानून बनता है उसमें। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि अगर लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष, ये एक शर्त के रूप में है, क्या है कि अगर लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी शर्त क्या है कि अगर लोकसभा का कोई भी अध्यक्ष 60 दिन के बिना 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, जो संसद में अधिवेशन बुलाए जाते हैं उसमें अनुपस्थित रहता है कितने दिनों तक? 60 दिनों तक, तो उसकी अध्यक्षता समाप्त कर दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी लोग बताएं कि लोकसभा के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वर्तमान में कौन है? तो पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले अध्यक्ष हैं गणेश बासु मावलंकर। कौन है? गणेश बासु मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। अगली हेडिंग हमारी राज्यसभा, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें और लाइक करें और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।